क्या ऑनलाइन कोर्स से आपको जॉब भी मिल सकती है? क्या बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स करने के बाद भी आपका आर्ट करियर में कोई प्रोग्रेस नहीं आ रहा? तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए। हाय गाइस, मैं हूं अभिषेक, फाउंडर ऑफ ऑल डॉग्स, और आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन कोर्स आपके जिंदगी में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं और किसके लिए ला सकता है, क्योंकि सब अलग अलग लेवल पे सीखना चाहते हैं ऑनलाइन कोर्सेज को आज के डेट पे जो बिल्कुल प्राइम में है। क्या वो ऑनलाइन कोर्स सबके लिए सेम एसेंस या सेम इम्पोर्टेंस लेके आता है? ऐसा नहीं है। अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं उस चीज़ों को। हम तीन या चार पॉइंट में डिवाइड करते हैं। इसमें डूज और डोंट्स रहेगा, प्रोज और कॉन्स रहेगा। तो सबसे पहले पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा क्या चीज़ किस लेवल पे किस टाइम पे करना है। और अगर आप एक स्टूडियो में जाते हो तो वहाँ पे उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिस टाइम में आपको जाके काम सीखना होता है। ऑनलाइन कोर्स में ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी है जहाँ पे आप 24 आवर 7 डेज कभी भी अपने घर बैठ के वो सेम चीज़ को सीख सकते हैं। तो बात करते हैं इस टाइम मैनेजमेंट की प्रोज और कॉन्स को। टाइम मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? टाइम को मैनेज करना, कभी भी सीखना, अपना ग्रोथ प्रोसेस को कंटिन्यू करना, राइट? होता क्या है, नॉर्मली जो लोग करते हैं वो ऐसा करते हैं कि टाइम तो है उनके पास, वो कोर्सेज भी ले चुके हैं, बट वो कोर्सेज को रीड नहीं कर रहे, उसको स्टडी नहीं कर रहे, उसके पीछे कुछ करना नहीं चाहते, उसको कहते हैं बिजीनेस। इसका मतलब हुआ कि मेरे पास तो चीज़ें हैं बट मुझे करना नहीं है। तो वो हो गया उसका कॉन्स, मतलब मुझे कुछ करना ही नहीं है, कोई ग्रोथ में जाना ही नहीं है, कुछ सीखना ही नहीं है। अगर प्रोज में जाऊं तो ऐसा रहेगा कि स्टूडियो में आके सीखने से अच्छा है घर बैठ के वो सेम चीज़ सेम टीचर से भी आप सीख सकते हो, अगर वो ऑनलाइन कोर्सेज अवेल कर रहे हैं तो। अलग अलग सिटीज़ में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आके सीखना चाहते हैं हमारे पास, अगर वॉल डॉग्स की बात करूँ तो उनके लिए बहुत मुश्किल क्या होता है कि पेरेंट्स को संभालना, दूसरे जगह पे स्टेट पे आके सीखना, बाहर रहना, और ये सब चीज़ें ना ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट करता है एक पेरेंट्स के फैमिली में, एक पेरेंट्स के ऊपर पर्सनली और एक स्टूडेंट के ऊपर भी। तो अगर हम लोग खुद वहाँ तक पहुँच जाए उनके मोबाइल पे, उनके लैपटॉप में, उनके कंप्यूटर स्क्रीन में, उनके टीवी में, तो फ़ायदा ये होगा कि रात को 2 बजे भी आप बैठ के टीवी चला के या अपने मोबाइल पे कोर्सेज देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और फाइनेंशियली बहुत सारे चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो। क्योंकि जब आप बाहर आओगे तो आपको पता है कि एक्सेसिव खर्चा होने वाला है, और स्टूडियो में जाके सीखूंगा तो उसका एक अलग चार्जेस होने वाला है, और वहाँ पे भी एक टाइम है, इस 2 घंटे के बाद आप नहीं सीख सकते, या 3 घंटे के बाद अगर आपको वो भी छूट देता है सीखने के लिए, तब भी आप यही कहेंगे कि मैं कितना घंटा कंटिन्यू सीखूं एक दिन में, पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो घर बैठ के सीखना, टाइम को मैनेज करना, अपने टाइम के हिसाब से लर्निंग को, अपने ग्रोथ को तैयार करना, ये हो गया सबसे बड़ा इसका प्रो। मैंने आपको ऑनलाइन कोर्स के फायदे बता दिए, बट हर बंदे को सही ऑनलाइन कोर्स मिलेगा ये ज़रूरी तो नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा ऑनलाइन कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। तो वॉल डॉग्स लेके आया है आपके लिए एक ऑनलाइन कोर्स, जो कोर्स आपके आर्ट करियर को शेप देगा। तो हम जान लेते हैं कि ये कोर्स, हमारा जो वॉल डॉग्स का कोर्स है, वो दूसरे कोर्सेज से कैसे अलग है। हमने इस कोर्स को 3 तरीके से डिवाइड किया हुआ है हमारा समझ के लिए, जो आपके लिए फायदेमंद होगा वो क्या है। पहला पॉइंट है कि लूप होल्स जो होता है ना कोर्स के अंदर, कहीं पे चीज़ें फास्ट दिखा देना, कहीं पे स्लो दिखा देना, और कहीं पे समझ ना आने वाला चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देना, और जो चीज़ समझ आना चाहिए था उसको छोड़ देना, तो इसको बोलते हैं आर्ट का लूप होल्स, जो आर्टिस्ट बताना नहीं चाहता। यहाँ पे इस कोर्स में सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपको पूरा कोर्स के अंदर कहीं पे भी कोई भी क्वेरी होगा, कोई भी प्रॉब्लम्स होगा, तो कोर्स के अंदर ही आपको आंसर मिल सकता है, अगर आपने थोड़ा सा गौर से उस कोर्स को स्टडी किया हो तो। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 24/7 आपके फ़ोन पे, आपके टैबलेट पे, आपके टीवी स्क्रीन पे, आपके डेस्कटॉप पे वो कोर्स अवेलेबल रहेगा। तो आप ये मत सोचिए कि ये 4 घंटा नहीं करूँगा तो वो कोर्स नहीं हो पाएगा, वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा तो ये कोर्स नहीं हो पाएगा, वॉल डॉग्स तो अलग स्टेट पे है, मैं अलग स्टेट पे हूँ तो मैं कोर्स नहीं कर पाऊँगा। आप किसी भी कंडीशन में कहीं भी बैठ के हमें अवेल कर सकते हैं आज के बाद से।
तो इसलिए 24/7 जो सपोर्ट सिस्टम है ना, वो एक कोर्स के लिए, एक स्टूडेंट के लिए जो कनेक्शन क्रिएट करता है वो बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग इस कोर्स पे लेके आ रहे हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आपको, और आई थिंक हम लोग पहली बार ला रहे हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जहाँ पे आप लोग कोर्स लेने के बाद ही सीधा कनेक्टेड हो जाएंगे, और वहाँ पे किसी भी टाइम पे आप दूसरे आर्टिस्टों के साथ बैठ के एक दूसरे का क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, जो आपको समझ आया वो उसको सिखा भी सकते हैं, जो उसको समझ आया वो आप खुद भी सीख सकते हैं। इस तरीके से हम इसको कैटर करेंगे, और साथ में क्या रहेगा, मैं वहाँ पे खुद आपको सपोर्ट दूंगा, कोशिश करूंगा 24/7 सपोर्ट दे सकूं, कभी भी क्वेश्चन आए तो मैं उसका रिप्लाई कर सकूं, अगर नहीं भी होगा तो रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। इसमें फ़ायदा पता है क्या है, फ़ायदा ये है कि आप अकेला लर्न नहीं कर रहे हो, आप सोलो लर्निंग के प्रोसेस में नहीं जा रहे हो कि कोर्स ले लिया आप समझ नहीं आ रहा कैसे कंप्लीट करूं, क्या कर लूं कि कोर्स मुझे पूरा समझ में आ जाए। आपको कोर्स समझ नहीं आया, हम लोग बैठे हैं, दूसरे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं जिनको दूसरी चीज़ें समझ में आया है और आपको नहीं आया, तो वो कनेक्शन क्रिएट करके एक प्रॉपर कम्युनिटी बनाना, और कम्युनिटी का फ्यूचर में क्या क्या काम आ सकता है आप सोच भी नहीं सकते। एग्जीबिशंस कर सकते हैं हम लोग सब एक जगह इकट्ठा होके, हम बैठ के आउटडोर स्टडी कर सकते हैं, हम लोग वीडियो इंटरेक्शन के बीच में बैठ के 50, 60, 100, 1000 लोगों के बीच में बता सकते हैं कि मुझे क्यों अच्छा लगा, मुझे क्यों बुरा लगा, हर चीज़ क्लैरिफाइड रहेगा, क्लियर रहेगा आपके लिए। कभी भी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार मैं एक कोर्स खरीद लिया और मुझे पता नहीं क्या करना है, इतना सुंदर कनेक्शन बनाने वाले हैं हम। और एक मज़े की बात बताऊँ आपको, ये कोर्स का प्राइस अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, और मैंने करने के लिए मना भी कर दिया टीम को, क्योंकि ये कोर्स ना आप लोग लेने वाले हो, तो डिसाइड करने वाले आप लोग होना चाहिए, ना कि मैं। आप लोग डिसाइड करो कि इस कोर्स को मैं कितने प्राइस में बेचूं, जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कमेंट्स आएंगे ना जिस प्राइस के ऊपर, उसके आसपास प्राइस रख के हम लोग उस कोर्स को लॉन्च करेंगे। मुझे नहीं पता आप लोग 10 रुपये लिखने वाले हो या 1000 रुपये लिखने वाले हो, आई हैव नो आइडिया, मगर अगर जेन्युइनली बोलूं, जो भी प्राइस मुझे लगेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कमेंट में आया हुआ है वो ही प्राइस मैं रखूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे बहुत चीज़ें करना है, एक कोर्स आपके नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड डू कमेंट स्टार्ट आर्ट विथ हैशटैग टू लेट अस नो कि कितने लोग आप लोग जुड़ना चाहते हो, और जेन्युइनली इस कोर्स को अवेल करके इसमें आपका आर्ट करियर को डेवलप करने का हर रास्ता ढूंढ लेते हो, देखते हैं आगे। So that's all for today. Thank you very much. Keep supporting.